वंदे मातरम हमारी चुनावी यात्रा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत होते हुए आज गौतम बुद्ध नगर पहुंची है। हम गौतम बुद्ध नगर की और देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट नोएडा विधानसभा सीट पर इस समय खड़े हुए हैं। यहां तकरीबन 7 लाख से अधिक मतदाता हैं और यहां से पंकज सिंह MLA हैं। पंकज सिंह ने पिछली बार 1,03,000 मतों की लीड से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट इसको माना जाता है। गठबंधन के प्रत्याशी एक बार फिर से सुनील चौधरी हैं। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कृपाराम शर्मा और कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हम लोग सेक्टर 18 पहुँचे हैं। सेक्टर 18 को नोएडा का कनॉट प्लेस माना जाता है। कुलदीप मेरे साथ हैं। कुलदीप, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनावी में मुद्दा यही है, मैं अगर सेक्टर 18 की बात करूँ तो सेक्टर 18 के अपना साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान रखा गया है ये पिछले आने वाले 5 सालों में, और लाइट्स की पूरी अच्छी व्यवस्था है, लाइट की कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, पुलिस महकमा बहुत अच्छा है, और जो भी इस 5 साल के अंदर कार्य हुए हैं BJP गवर्नमेंट में अच्छे कार्य हुए हैं और गुंडागर्दी की कोई शिकायत वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी कि मैं तो यही चाहूँगा कि आगे आने वाले 5 सालों में और अच्छा बेहतर हो, और मैं सबसे यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट BJP की हो। भैया, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी सर, इन्होंने बताया कि 5 साल में यहाँ बहुत बेहतर चीज़ें हुई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल जी, बहुत बेहतर। ये छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं इसी पार्क का। आज से 4-5 साल पहले इस पार्कों में आप अगर आते तो देखते कि आप खड़ा होना क्या, आप खुद ही कहते कि ये क्या है। और आज देखो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको इस पार्क का ही। पिछले 5 सालों में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे सब कुछ सिस्टम ना पूरा ही चेंज हो गया है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। नोएडा की सीट है, साक्षरता दर यहाँ बहुत अधिक है, यहाँ पढ़े लिखे वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। 1976 में इस शहर की स्थापना हुई, नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण यानी नोएडा। नोएडा एक औद्योगिक नगरी है। मैम, ये जो चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में क्या बेहतर और होना चाहिए, क्या कसर रह गई है? देखिए, कसर तो हर शहर में बहुत हो जाती है। हम लोग तो बात करेंगे अपने व्यापार के हिसाब से। हमारा जो व्यापार है इस मार्केट से जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है, उसको किया जाए। जैसे पंकज जी ने अपनी 2-3 स्पीच में जो 18 में किया, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो पार्किंग का मुद्दा है हम लोगों का, कि पार्किंग का रेट यहाँ पे कम होना चाहिए, उसके लिए वो विचार करने की बात है। क्योंकि अगर मार्केट में ग्राहक नहीं आएगा तो व्यापार होगा नहीं। अभी क्या रेट है पार्किंग का? अभी 50 रुपये है घंटा। कितना होना चाहिए? हम लोग तो 20 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। 20 रुपये घंटा होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई व्यक्ति आएगा तो गाड़ी पार्क करनी होगी, और गाड़ी पार्क करनी होगी तो पैसे भी देने होंगे, लेकिन 50 रुपये घंटा शायद ज़्यादा है, सोचना चाहिए। पैंडेमिक के बाद जो हमारा सेल डाउन आई है 2 साल के अंदर, उसको रिकवर करने के लिए सरकार हमें क्या मदद कर रही है? हमें कोई बिजली माफ़ तो हो नहीं रही है, तो हम तो ये चीज़ मांग रहे हैं कि पार्किंग हमारी कम कर दें, जिससे हम लोग को फ़ायदा हो जाए। फुटफॉल बढ़ना चाहिए, लोग आने चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? सर, फुटफॉल तो बढ़ना चाहिए। फुटफॉल नहीं होगा तो मार्केट का होने का फ़ायदा नहीं है, सेल्स नहीं होती हैं, कस्टमर्स आते नहीं हैं। कई बार आता है कस्टमर छोटी सी चीज़ 100 रुपये की लेने आता है, 100 रुपये उसे पार्किंग देनी पड़ती है, तो जस्ट डबल हो जाते हैं, उससे कस्टमर्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों में से, चूँकि आपके यहाँ नोएडा है और नोएडा में सारे कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं शिक्षित हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? सर, शिक्षित हैं, सबको शिक्षित होना चाहिए, कैंडिडेट क्या, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा हमारी जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स हैं, उन पर फोकस करा जाए, उन पर थोड़ा सा सुधार किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अभी, इतना वैसे भी फुटफॉल कम हो गया है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है, अब फिर पार्किंग की समस्या तो हमारे लिए मेजर समस्या है यहाँ पे। आप एक लेमैन की तरह से मैं आपसे एक पूछूंगा कि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौर में क्या कसर, कुछ कसर है यहाँ पे? सर, कसर के सर हम तो यही कहते हैं कि सर, जैसे हमारे यहाँ पे तो सर BJP का है, BJP आएगी सर। क्यों सर? ऐसा हमारी दादरी में जैसे रात को जैसे लेडीज जा नहीं सकती थी, रात को जैसे बाजार जैसे जाते थे, लेडीज कहते थे हम भी वहाँ चले जाओ, बाजार चले जाओ, कुछ सामान ले आओ, ख़त्म हो जाता, तो रात को पहले मना कर देती थी, और अब कह दो तो अभी मतलब निडर होकर चली जाती हैं बाजार।
कोई डर नहीं है। मैं कहता हूँ बीजेपी आनी नहीं चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए, कोई वो नहीं है, हम बीजेपी को ही देंगे वोट। जनपद गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी व्यवस्था है, कमिश्नर के अलावा अगर बात करें तो ये जो जनपद है तकरीबन 25 लाख की आबादी इसमें रहती है, हालांकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, और अगर बात करें तो भारत सरकार के आधे से ज़्यादा अधिकारी यहीं रहते हैं। इस समय 15 IPS अधिकारी यहाँ तैनात हैं, टोटल 27 थाने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगाए गए हैं। जी भैया, चुनाव हम तो बीजेपी को वोट देने वाले आदमी हैं भाई, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, और बस बीजेपी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी की थोड़ी शिक्षा थोड़ा ठीक कर दें, और शिक्षा ठीक हो जाएगी तो गरीबी वैसे कम हो जाएगी। क्या शिक्षा में क्या कमी रह रही है? शिक्षा ये कमी है कि गरीब आदमी का नाम इतना बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, और नहीं पढ़ा सकता है। दूसरी बात है कि देखो बीजेपी से काम बहुत अच्छा कर रही है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी बीजेपी शिक्षा को ठीक कर दे, और थोड़ी सी जो फीस मनमानी जो लोग स्कूल की ले, मतलब यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनमें मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं, और मनमानी फीस लेने के बाद थोड़े से गरीब आदमी की अगर थोड़ा सा अगर ठीक कर दें, शिक्षा ठीक कर दें, तो गरीबी वैसे देश में कम हो जाएगी। मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि हम गरीबी कम कर दें, लेकिन शिक्षा कहने गरीबी ऐसे कम होगी, थोड़ी सी अगर थोड़ा सा ध्यान अगर मेरी बीजेपी देगी, हम तो बीजेपी का आदमी है, लेकिन बीजेपी से एक अनुरोध है हमारा कि थोड़ी शिक्षा ठीक कर दें, हमारे जैसे बच्चे हैं तो वो थोड़े से पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं जिंदगी में जो आगे बढ़ सकें। बढ़िया चल रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी, फुल बहुमत से आएगी, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। योगी जी ने अपना जितना 100% हो सकता था उससे ऊपर अच्छा करके दिया है, बाबा जी ने बहुत अच्छा कर रखा है उसमें, नो डाउट, इस बात के लिए हम उनकी तारीफ करेंगे। और कुछ चीज़ें रह गई हैं तो अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, बट हम चाहते हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं पंकज सिंह जी भारी मतों से जीते। बिल्कुल स्वाभाविक है, सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत अहम मुद्दा होता है, क्योंकि आम आदमी कि यदि किसी की जवान बेटी है और वो घर पर जब तक नहीं आती तब तक धड़कनें तेज रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है और पुलिस की जवाबदेही तय हुई है, और शायद इसी का परिणाम रहा है कि क्राइम कम हुआ है। बेटा ये बताओ क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं कैमरे का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताओ नोएडा में रहते हो? हाँ। अच्छा, वोट बन गई? हाँ बन गई। अच्छा, ये जो इस समय जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के दौर में किसे वोट करोगे? वोट तो अभी मैंने दिया नहीं है वैसे किसी को, लेकिन वैसे मैं तो चाह ही रहा हूँ कि बीजेपी आए। क्यों? नॉर्मल इसमें यही गुंडा राज कम हुआ है, ये चीज़ है। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यूपी में रहता हूँ, लेकिन मैं बिहार से रहता हूँ, लेकिन जो योगी जी ने किया है वो कभी हुआ नहीं था पहले, इसलिए मैं योगी जी का फैन हूँ और सपोर्टर भी हूँ, और मैं क्या कहूँ सर, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इस चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या है, नोएडा में क्या खामियां रह गई हैं जो और होनी चाहिए? सर चुनावी मुद्दा हर बार की तरह एक ही होता है, जिसमें काफ़ी सारी खामियां तो दूर हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट रह गया है जो किसी वजह से पिछले 5 साल में कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि चीज़ें बहुत सालों से ख़राब चल रही थी, तो उसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। तो अभी भी जो थोड़ा बहुत रह गया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार की सरकार दोबारा से बीजेपी की जब आएगी तो वो थोड़े बहुत मुद्दे भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें थोड़ा बहुत अभी कुछ लोग हैं जो अराजकता तत्व टाइप होते हैं उनको भी दूर किया जाएगा, पंकज भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उसके लिए, और कुछ बिल्डर्स वगैरह हैं जो अभी भी शायद सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है नोएडा में हमारे, और बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। चुनावी अखाड़ा इस समय मौजूद है नोएडा के अति व्यस्ततम सेक्टर 37 चौक पर। ये सेक्टर 37 का जो चौक है, यहाँ से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जाती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, उनसे भी चुनाव में कहीं ना कहीं जो चुनाव का जो नज़रिया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया ये बताओ, ये चुनाव है, चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में मुद्दा क्या को होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा महंगाई कम होना चाहिए पहली बात, तो रोजगार होना चाहिए, मतलब यही मुद्दा है पहले, तो सबसे पहले हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव आना चाहिए। हम इंटर पढ़ के नमकीन बेच रहे, बताओ, बाबा का तो आराम करना चाहिए मंदिर में, बाबा जी को सरकार थोड़ी, वो थोड़ा समझदार है बंदा, वो पढ़ा लिखा है, वो लैपटॉप बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हमें रोजगार दे, काम दे। हम इंटर करके हम ये नमकीन बेच रहे बाबा के, बाबा तो क्या करें, ये है सिस्टम। जैसे ये पूछो इंटर कौन सी सन में की थी आपने, इंटर कौन सी सन में की थी आपने, जवाब दो, बताइए कौन सी
कौन से सन में की थी? बाबा जी 2017 में आया, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले अखिलेश आपको घर से उठा के ले गया था? उसके पहले ठेली लग रही थी हमारी यहाँ पॉइंट पे। सरकार नहीं थी उस समय, अखिलेश की सरकार में आपने इंटर नहीं की है? बताइए कौन सी सरकार में आपने इंटर की है? उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, ये चुनाव का जो दौर है इसमें मुद्दा क्या होना चाहिए रोजगार आपके हिसाब से? रोजगार, रोजगार मुद्दा, रोजगार। 5 साल का जो कार्यकाल गया सरकार का, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? कार्यकाल अच्छा है लेकिन रोजगार नहीं है। 2 साल कोरोना के गए? हाँ कोरोना के गए, उसमें तो सभी परेशान हैं, क्या आम आदमी क्या सरकार। नहीं कोरोना के दौरान जो सरकार ने काम किया उससे उस पर कोई टिप्पणी? नहीं नहीं, कोरोना के टाइम में जो काम किया गवर्नमेंट ने, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो ऐसा नहीं होता, कुछ और अलग हो पाता, मतलब बेहतर रहा। बिल्कुल। 5 साल का जो कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का, उस पर कोई टिप्पणी? बहुत अच्छा रहा जी। क्या अच्छा रहा? सब कुछ अच्छा रहा उनका, बढ़िया। जैसे? सारे काम बढ़िया उनके, तो कोई दिक्कत ही ना कहीं। कहाँ के रहने वाले हो? बुलंदशहर के जी। भैया ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा होना चाहिए रोजगार, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए व्यापार बढ़िया, ये सब होना चाहिए। कुछ ना कहना चाह रहे हम तो, बस मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो। लोगों की भावनाएं हैं, भावनात्मक लगाव है, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन रोजगार, बेरोजगारी और तमाम तरह के संसाधनों पर भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग आश्वस्त हैं कि सरकार रिपीट होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके का पिटारा खुलता है और किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।